उसके पहले जो अभी आया है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया है उसकी बात करेंगे। आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई 2024 ला निकालेला महाराष्ट्र शासन तरफे हा एक जीआर आहे। काय म्हणतोय जीआर? जीआर म्हणतोय जे काही ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी विद्यार्थिनी आहेत, म्हणजे मुली गर्ल्स लड़कियां ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, इकोनॉमिक वीक सेक्शन। दूसरा एसईबीसी मराठा आरक्षण से रिलेटेड ये जो एसईबीसी कैटेगरी, ये तीसरा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ओके, इसमें जो लड़कियां आती हैं ईडब्ल्यूएस एसईबीसी ओबीसी, और इसके साथ एक और मैं जोड़ूंगा जो इस सर्कुलर में या जीआर में नीचे दिया गया, अनाथ ऑर्फन, जो बच्चे जो है अनाथ है उनके लिए भी ये लागू होगा। अनाथ मतलब जिनके माता पिता नहीं है उनको भी। पहले ईडब्ल्यूएस एफसीबीसी और ओबीसी इन कैटेगरी के लड़कियों के लिए 50% हे एवढं स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति भेटत होती, यानी उनकी फीस अगर 1 लाख है तो उन्हें सिर्फ 50,000 भरना होता था। ये जो कैटेगरी के लड़कियां हैं ईडब्ल्यूएस एफसीबीसी और ओबीसी, उनको पहले 50% जो है स्कॉलरशिप मिलती थी, आधी फीस भरनी पड़ती थी। आज का जो ये जीआर आया है 8 जुलाई 2024, या जीआर तरफ गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र शासन ने कहा है कि लड़कियां जो ईडब्ल्यूएस एफसीबीसी और ओबीसी और अनाथ यानी ऑर्फन है उनको 50% के बदले 100% शिष्यवृत्ति भेटना।